अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बीबी मरियम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं थोड़ी से मोटिवेशन की, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है। और कोई हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि कुछ पलों पे मोटिवेट रहने की ज़रूरत है और कुछ पलों में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम यह है कि मोटिवेटेड रहें और हमेशा अच्छा काम करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो आपका एक ही मकसद रहना चाहिए और एक ही गोल पे फोकस रहना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और अच्छे से कामयाब होना है। और ऐसा कामयाब ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे पास हो रहे हैं, ऐसे मैं भी पास हो जाऊँगा तो चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। सब लोग कर रहे हैं, उनसे हट के करूँ मैं। थोड़ा वो 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो मैं 2 घंटा पढ़ूँगा, एक दिन पढ़ रहे हैं तो मैं 2 दिन पढ़ूँगा, ऐसा उनसे कुछ हटके रहना चाहिए। हर चीज़ में हटके सोचो, ये नहीं कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं मैं ख़राब करूँ, नहीं। अगर वो अच्छा करें तो आप भी अच्छा ही करो, लेकिन ऐसा है कि जो भी अच्छाई के काम हो रहे हैं उसमें एक कदम आगे रहो। मेरा बोलने का ये मकसद है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो हर स्टूडेंट जैसे करते हैं वैसे नहीं करना है, आपको सबसे हट के करना है। नहीं, अगर नहीं तो उनमें और आप में एक फ़र्क क्या रह जाएगा। आप तो कहीं स्कूल में जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, तो कुछ हट के करना पड़ेगा ना। अगर आपको कुछ अलग चाहिए, जैसे उनको मिल रहा है, जैसे डिग्री मिल गई तो आपको नहीं चाहिए, आपको डिग्री चाहिए और कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक्स्ट्रा मन लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो यही होता है, देखिए कि हर चीज़ में आपको मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई वक्त ऐसा होता है कि मोटिवेट होना पड़ता है और कोई वक्त होता है कि डीमोटिवेट हो जाए। तो ऐसा नहीं कि हमेशा मोटिवेट रहो और हमेशा डीमोटिवेट हो। कभी अब अगर डीमोटिवेट भी हो गए तो मोटिवेट रहना सीखो। और अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ये पर्सनल चीज़ें छोड़ दो। अगर पर्सनल में कोई देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो सब बना रहे हो तो सोचो कि आगे चल के तो बीवी या फिर शौहर तो बनना ही है। अगर आप अभी कर रहे हो तो बाद में क्या करोगे, ज़िंदगी में मज़ा चाहिए ना। तो अभी अच्छे से कड़ी मेहनत करो और माँ बाप का नाम रोशन करो, एक अच्छा इंसान बनो। देखो ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, डिफरेंट बनना, ये सक्सेसफुल, ये वो जैसे बोल रही हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए और एक गुड कैरेक्टर रहना चाहिए। अगर आप अच्छे पर्सन नहीं हैं, आपके पास बिहेव दूसरों को कैसे करना है वो नहीं आता, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। देखिए दवा के साथ दुआ भी ज़रूरत होती है, बहुत बार सुना है मैंने। जैसे हम मेहनत करते हैं ये सब हमारी दवा है, और उसके साथ लोगों की दुआ भी चाहिए। सिर्फ हम पढ़ रहे हैं दूसरों को हम गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सबके साथ अच्छा रहना है और प्लस हमारी मेहनत भी कायम रखनी है, तब हम जाके कहीं कामयाब हो सकते हैं। अगर कामयाब नहीं भी हुए तो हम अच्छे हैं, तो ये तो एक बात तो कंफर्म है कि ये अच्छा लड़का है, कभी ना कभी अच्छा लड़की है या लड़की है, कभी ना कभी सक्सेस होगा या फिर कामयाब होगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि देखो इतना मेहनत कर बेचारा पढ़ी कामयाब नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब है, ऐसा ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा ही बोलेंगे। तो कोशिश करो कि अच्छा रहें, ठीक है। लोगों तो बोलना ही काम है, वो बोलते ही रहेंगे कि ये मत कर, वो मत कर, ये कर, वो कर, ये कर, लेकिन आपको अपने दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए और अपने बड़ों की सलाह लेना चाहिए कि अभी मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े की बात, जो काम बड़े लोग कर रहे हैं वो आप करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ऐसा कर रही हूँ जैसे अब तुम्हारे साथ ही हैं, उनसे ये कदम हट के करो, डिफरेंट रहो सबसे, तभी पहचाने जाओगे। और मुश्किल को अपना साथी बनाओ, मुश्किल काम को अपना साथी बनाओ, वो काम करो जो आपको डर लगे, जिस स्टेज पे ना जाने डर लगा तो वही करो। बाद में चलकर क्या पता आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, जैसा कि हमारे सोनू सर हैं और संदीप महेश्वरी सर हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप मोटिवेट रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। गंदी बात, बुरे ख्याल दिल से हटाना चाहिए,
दिल से हटाना चाहिए, और अगर हमारा मन चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताना था, और ये जाते जाते एक शेर बताना चाहती हूँ, अर्ज़ करना चाहती हूँ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाख को दो मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। कोई हमारा साथ नहीं देगा, अपने दिए को खुद ही जलाना होगा। और ये कैसे होगा, तब अपने खुद जलाओगे तभी रोशन कर पाओगे, ठीक है। कोई आके नहीं जलाएगा, कोई आपको आके रोशन नहीं करेगा। तो इतना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लिए अपने दोस्तों में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।